सब्सक्राइब करें अपने चैनल पाकिस्तानी कबूतरबाज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि हर वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। मेहरबान। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं देसी घी की रोटी के भोरे बनाने जा रहा हूं। तो कैसे बनते हैं आज हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो ये बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका है, वीडियो को एंड तक देखें। गर्म कर लिया है मैंने, ये देसी घी थोड़ा गर्म कर लिया है, थोड़ा ठंडा हो जाए। अभी बताता हूँ कैसे बनती है रोटी। वालेकुम व्यूअर्स, ये मैंने घी है, ये देसी घी था अपना ओरिजिनल। तो मैं बाज़ार से नहीं लाता हूँ, थोड़ा सा ही अपना 2 चम्मच जितना उधर से उठा के अपना ही देसी घी है, गाय का है। तो ये मैं उधर से उठा के गरम करके ताज़ा ताज़ा भी इसमें डाल रहा हूँ। ये आपने आटा करना है, आटा सादा आटा जो होता है अपना गंदम का, वो एक पेड़े के बराबर करना है। उसमें आपने देसी घी डाल देना है 2 चम्मच जितना। ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ तो कैसे बनता है। के लिए अब ये इससे तो पेड़ा नहीं बनेगा डायरेक्ट घी से, तो इसको पेड़ा बनाने के लिए थोड़ा आटा मिक्स करना पड़ता है, वो पानी मिक्स करना पड़ता है। पानी मिक्स करेंगे तो ये पेड़ा बनेगा। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा पानी डाला। पानी मिलाने से ना बिल्कुल ही अच्छे से रोटी बनने के काबिल हो जाएगा। जब पानी नहीं मिलाओगे तो रोटी बनने के काबिल नहीं होगा। तो इसको मैं अभी पका के दिखाता हूँ आप लोगों को, और इसके भोरे कैसे होंगे। ये बिल्कुल आसान होंगे भोरे, थोड़ा सा ज़ोर देने से रोटी को गरम गरम को यूँ ही भोरे बन जाएंगे। बस 5 मिनट का खेल है, तो इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। परिंदों के लिए तो ये लाजमी करना है, तो देखते रहिए। पेड़ा बन गए, आगे देखते हैं पकाते रोटी। तो व्यूअर्स, ये मैंने इसको थोड़ा बिखेर दिया है, तो देखते हैं अभी इसको पकाते हैं। इसको तवे पे डाल दिया है अभी मैंने, अब इसको मैं पका रहा हूँ। ये देखो रोटी तैयार हो गई है, अब इसको देखते हैं, इसको बना के भोरे बना के देखते हैं। लगे रहो हमारे साथ वीडियो में। थोड़ा ही अभी ऐसे तोड़ के ऐसे हाथ से मसलोगे तो ये बिल्कुल भोरे बन जाते हैं, बारीक बारीक भोरे। ये इसमें देसी घी मिक्स होता है ना, तो ये उसमें तकलीफ़ नहीं होती। मैं आपको दिखाता हूँ भोरे बना के। अब ये देखो हमारे भोरे बन गए, तो इसमें इतना कोई टाइम ज़ाया नहीं होता है कबूतरों के लिए, कोई टाइम ज़ाया नहीं होता है भोरे बनाने के लिए। तो बस ये गरम गरम होता है ना, ऐसे इसको थोड़ा मसलो तो घी डाला हुआ होगा अंदर, तो मिनट भोरे बन जाते हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगता है। ऐसे समझो कि सारा दिन नहीं लगता है इसमें, 5 मिनट का ही खेल है, टोटल 5 मिनट का। हाथ से ऐसे मसलते जाओगे तो ये मिनट बनता जाएगा। और जो देसी घी रोटी पका के ऊपर डालते हैं मेरे भाई, वो किसी काम का नहीं है, कबूतरों को ज़ुकाम होता है उससे। तो ये चीज़ बेस्ट है, आप वो इस्तेमाल करो जो हम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं 10-12 साल से ही करते आ रहे हैं। तो ये देखो अभी मैं कबूतरों को डाल रहा हूँ, देखो उधर कैसे खाते हैं। ये मेरे जोड़ वाला है, जोड़ वाले, ये जोड़ वाले, उड़ान वाले, सारे ये से साथ बच्चे बड़े, मैं सारा जो खुराक डालता हूँ मैं अपने कबूतरों को, सबको एक सा खिलाता हूँ। जोड़े वाले भी खाएंगे, उनको भी ताकत होगी, फिटनेस होगी, और उड़ान वाले भी खाएंगे, फिटनेस ताकत रहेगी। दोनों तरफ ये हमारे काम की चीज़ है ना भाई, जोड़े वाले कबूतर भी हमारे काम के। जोड़े वाले बैठ गए, बच्चे देने से तो हमको फ़ायदा नहीं होता है। तो हमारा ये आज का जो आपको रोटी का तरीका पसंद आया हो तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपके साथ रहेंगे। तो लेट वेट होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। कैसे खा रहे हैं, यही होती है चीज़। और वो जो जिसके ऊपर रोटी के ऊपर घी डालते हैं वो किसी काम की नहीं है, और कबूतर खाते भी नहीं है अच्छे तरीके से। ये जो खाएंगे इंशाल्लाह ऐसे खाएंगे। और आधा घंटा आपने कबूतरों को पानी बिल्कुल नहीं दिखाना है, आधा घंटा घंटा कबूतरों को पानी नहीं दिखाना है, ऐसे ही कबूतर लगे रहे।